कौन? तो भूपी फोन है। हाय गाइस, मैं निशांत और मेरा भाई छोटा भाई अनिकेत। तो भाई ने बर्थडे के टाइम पे 13 प्रो लिया है, तो 13 प्रो का सिनेमैटिक ट्राई करने के लिए सोचा है यूट्यूब के लिए वीडियो बना दी जाए। तो हम लोग अभी आए स्वामीनारायण सिटी, जो कि डंबिवली वेस्ट में एक बड़ा लैंड डेवलप हो रहा है स्वामीनारायण सिटी करके। तो नियरली मंथ ऑफ एंड में मैंने इधर फ्लैट बुक किया था, मैंने बुक किया और अभी मेरे सिस्टर ने भी बुक किया और मेरे कज़िन ने भी बुक किया है। तो सोच रहा है कि अनिकेत के लिए भी एक फ्लैट बुक कर ले। तो वही प्लानिंग के लिए अभी वर्क का क्या स्टेटस है, वर्क कितना कंप्लीट हुआ है वो देखने के लिए हम लोग आए हैं। जिस तरह से स्वामीनारायण वाले बता रहे हैं कि मार्च के नियरली आपको पोजीशन मिलेगा, तो अभी जितना वर्क कितना कंप्लीट होना है उसको देख के समझ में आएगा कि पोजीशन मिल रहा है कि नहीं, वो डिपेंड के ऊपर भाई का फ्लैट बुक करेंगे। तो देखते हैं स्वामीनारायण सिटी का कितना काम हुआ है और आपको ओवरव्यू देता है 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट का। फेस सेकेंड का एक एच विंग का काम चालू है, इधर एक सी टाइप में एच विंग है। फेज वन में काम चालू हुआ था, 3 टावर है, ए विंग, बी विंग और सी विंग, और वो साइड में पूरा 3 BHK का एक टावर बन रहा है। और ये जो आप देख रहे हो एक ग्रैंड बड़ा क्लब हाउस बन रहा है, बहुत बड़ा क्लब हाउस बन रहा है, जो 3 स्टोरी बिल्डिंग में बन रहा है और बड़ा क्लब हाउस बता रहे, वो पोजिशन के टाइम भी मिल जाना चाहिए। तो चलो अपन देखते हैं। आई डी कार्ड दाखल्यानंतर ओपन होतं का? ते कार्ड दाखवल्यानंतर ओपन होतो दरवाजा। दाखव आता ओपन झाला, आप देख सकते हो कितना सिक्युरिटी है यहाँ पे। हर बिल्डिंग में हर जगह पे आपको इस तरह से एकदम खूबसूरत एंट्री मिलेंगी, जो एंट्री में दिल खुश हो जाता है। तो देखते हैं, अभी टेम्पोररी लिफ्ट इधर सेट किया है, तो उसके थ्रू आप इधर 3 फ्लोर का पोडियम है जिसमें पूरा पार्किंग है और 3rd फ्लोर से पार्किंग चालू होता है। ये 1 BHK सैंपल फ्लैट है जो स्वामीनारायण की तरफ से पूरा इंटीरियर क्लियरली बनाया है। आप जिस तरह से देख पा रहे हो नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर हॉल का साइज दिख रहा होगा, हॉल का साइज कितना है वो मेंशन किया है। ये आपका इधर बालकनी है, इसका साइज आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ये जो आप पूरा देख रहे हो वो लोढ़ाप्पर ठाणे है। ये जो न्यू ब्रिज बन रहा है डंबिवली मानकली ब्रिज, वो है इस तरह से राइट साइड में, वो भिवंडी है, भिवंडी वाव का, बाकी ऊपर अपना डंबिवली का उल्लास खाड़ी है। ये नीचे पूरा पार्किंग और गार्डन बनने वाला है। ये आपको किचन मिल रहा है, किचन का साइज आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। इसके ऊपर आपको ट्रॉली मिल रहा है। ये वो लोगों ने सैंपल फ्लैट बनाया है, इसमें से अपने को सिर्फ मार्बल वगैरह सब चीज मिलेगा, जो स्वामीनारायण लाइट भी नहीं दे रहा है, कम से कम लाइट तो देना चाहिए यार। और आपको इधर भी गैलरी मिल रहा है, किचन में भी एक बेसिक छोटा गैलरी है। और सेकेंड आपको इधर एक सेपरेट से वॉश बेसिन मिल रहा है, जो सबसे बेस्ट पार्ट है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये वाला पार्ट। आपको इधर एक कॉमन बाथरूम मिलता है, और सेकेंडली कॉमन बाथरूम में आपको और एक डक मिल रहा है, यहाँ पर आप कपड़े वपड़े सुखा सकते हो या फिर वोटर जैसे कि वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी रख सकते हो आप, वो आपका चॉइस है। और सेकेंडली आपको बेस्ट फीचर्स जो मैंने बहुत बिल्डिंग्स में देखा या फिर किधर मेरे को नहीं देखने को मिला होगा, दूसरी जगह ये बेस्ट फीचर है कि ऐसा है, इसमें डोर पैनल वगैरह है, मेन डोर पैनल कैमरा, जो आप सोसाइटी का कैमरा देख सकते हो, मेन डोर पैनल देख सकते हो, जैसे आपका जो नीचे का मेन डोर है उसके सामने आपका कोई गेस्ट वगैरह आ रहा है तो अपने को देखने को मिल जाएगा। ये डोर पैनल में बिल्डिंग पैनल देखने को मिल जाएगा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बेस्ट और बेहतरीन फीचर्स है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। ये आपको बेडरूम मिल जाता है जिसका साइज मैंने मेंशन किया है स्क्रीन के ऊपर। इसमें भी और एक बेस्ट पार्ट है, आप ये जो वॉल ड्रॉप देख रहे हो ना, ये वॉल ड्रॉप आपका मतलब एक आपको सेपरेटली जगह मिल रहा है। अगर आप नए वॉल ड्रॉप बनाते हो तो उसके लिए आपको अलग से जगह आपको वेस्ट जाएगा नहीं, ये पूरा उन लोगों ने अलग से खांचा बनाया है, ये पूरा आपका अंदर ऐसे घुस जाता है, एक स्पेशल एक बहुत अच्छा है। और यही सेम चीज ये लोगों ने
ड्रेसिंग टेबल के लिए भी किया है जिसमें अलग से ऑफसेट दिया हुआ है। आप इसको पुश करते हो तो इधर आपका ड्रेसिंग टेबल आ जाता है, यानी ड्रेसिंग टेबल भी बनाते हो तो आपका अलग से जगह जाता नहीं है। और आपको इसी के साथ बेडरूम में और एक बहुत ही बढ़िया और एक बाथरूम मिल जाता है भाई। इसकी क्वालिटी देखो, इसका इंटीरियर देखो, क्या मस्त बनाया है। सेपरेटली एक अलग से डिजाइन किया है, मतलब यानी कि आपको यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि आपको मास्टर बेडरूम मिल रहा है। इसका टोटल बिल्टअप एरिया है जो 780 है और कारपेट 511 या 512 ऐसे ही कुछ तो है। तो ये आपको बेहतरीन अच्छा सा फ्लैट मिल जाता है। और बेडरूम में भी गैलरी है, मैं आपको बताना भूल गया, बेडरूम में भी गैलरी है जो बहुत अच्छा है। ये लोगों ने वॉल के ऊपर एक अलग से प्लाई चढ़ा, इसलिए आपको थोड़ा कारपेट कम दिख रहा होगा क्योंकि इंटीरियर जो है बहुत हेवी इंटीरियर है, बहुत हेवी डिजाइन है, इसकी वजह से आपको थोड़ा एरिया कम मिल रहा होगा। ये सोफा भी थोड़ा बड़ा है, बाकी अपने हिसाब से आप अगर खुद डिजाइन करते हो ना तो एक थोड़ा कॉम्पैक्ट सोफा लेके इसको तो आपको अच्छा खासा कारपेट मिल जाता है। आप क्या क्या करने वाले हो इस 1 BHK में? अभी बजट के ऊपर है, देखेंगे क्या क्या करेंगे।